आपके सिलेक्शन को लेकर? देखो कोई भी आए कोई भी जाए, उस बातों का फर्क नहीं, पहले भी बहुत लोग आए बहुत गए। ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि का चुनाव है और इसमें निर्वाचन मंडल में मैनपुरी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है और फिर बढ़ाएंगे। बाकी तो वो कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन बातों की चिंता ना समाजवादी ने पहले कभी की थी ना आज चिंता है। आप लोग सादगी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी सरकारी मशीनरी भी उनके साथ है। आप बनी रहे सरकारी मशीनरी तो कहोगे सरकार क्या हमेशा जीतती है क्या? जनता जीतती है चुनाव, निर्वाचित जनता करती है निर्वाचन और मैनपुरी जनता ने नेताजी साथ दिया है और ये चुनाव तो नेताजी की सहानुभूति और नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। और इस चुनाव को जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौके पे कहा भी है, हम लोग बहुत सादगी से, कोई हम लोग औपचारिकता नहीं, केवल अपने लोगों के बीच जाके वोट की अपील कर रहे हैं आदरणीय डिंपल जी के लिए और उम्मीद है बड़े वोटों से। परिवार के लोगों से कार्य क्षेत्र बांट दिया गया, अलग अलग एरिया पर फोकस किया गया, आप लोग लगातार? नहीं वो तो किया ही जाता है, काम तो बांट के ही करना पड़ता है, एक साथ काम नहीं होंगे, नहीं तो कोई इलाका ऐसा होगा जहाँ कोई भी नहीं पहुँचेगा। तो पार्टी में जब काम होता है चुनाव में तो ये तो स्वाभाविक है, क्षेत्र बांट के जिम्मेदारी बांट के ही काम हो पाता है। चाचा शिवपाल जी ने मजबूत अपील की है कि बहू डिंपल जी के जिताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा था कि पूरा परिवार एक है, चाचा जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से। आप ही लोग उन चीज़ों को लेके जाने कहाँ तक ले जाना चाहते थे, लेकिन चाचा जी का भी कल बयान आ चुका है, उनकी भी अपील आ चुकी है, तो कोई किसी तरह का मैं नहीं समझता कोई शंका किसी को रहनी चाहिए। चर्चा है कि अखिलेश यादव से आज मुलाकात होगी चाचा जी की, क्या अभी भी मुलाकात? क्या घर में तो डेली मिलते हैं, डेली मिलना, मिलेंगे भी, व्यस्त होंगे नहीं भी मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे तो नहीं मिल पाएंगे, मिलने की भी उसमें कौन बड़ी चीज़ है, कोई नई चीज़ है क्या? परिवार में आप किसी से पूछ मिलते हो तो क्या आप न्यूज़ बनाते हो उसको? सर विपक्षी दल का प्रत्याशी रघुराज शास्त्री नेताजी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? मैंने कल मैनपुरी में कहा था कि अगर उनके दिल में जरा भी नेताजी के लिए कृतज्ञता होती तो कम से कम इस उपचुनाव में सामने नहीं आए होते जो नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये बीजेपी के लोग हमेशा दोहरे मापदंडों के साथ चले और उनका भी दोहरा मापदंड मैनपुरी की जनता देख रही है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आपके बनाए हुए रघुराज अब लगातार अखिलेश पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नेताजी के साथ उन्होंने क्या किया। मैंने कहा कि अगर उनके अंदर कृतज्ञता होती तो इस चुनाव में तो कम से कम नहीं आते, और जब कोई आदमी कृतज्ञ नहीं है तो किसी के लिए भी कुछ कह रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कह रहे हैं, कल बीजेपी ने कोई तमन्ना न पूरी की तो हो सकता मोदी जी के लिए भी ये बात कहेंगे, या पहले कहते रहे होंगे, पुराने वीडियोज उठा लो आप। तो इन बातों पे नहीं जाना चाहिए, उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो अपनी बताएं कि उनके अंदर अगर नेताजी के प्रति इतनी ही कृतज्ञता थी तो इस उपचुनाव में जो चुनाव स्वाभाविक है नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, नेताजी की असामयिक मृत्यु के बाद चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मैं नहीं समझता आने की जरूरत थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब समाजवादी समाप्तवादी पार्टी और इस चुनाव से ये हो जाएगा। मैं इन बातों में नहीं जानना चाहता, मैं उनको एक सुझाव दूंगा कि वो जाके सिरातु क्षेत्र को मजबूत करें, बड़बोलेपन से कोई फायदा नहीं है, जो चीजें सच्चाई हैं उसको